टेली क्लास 13 में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और इस क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, और इस क्वेश्चन को मैंने इस तरह से बनाया है कि अब तक हम लोगों ने जितना भी वाउचर देखा है वो सारा वाउचर का यूज़ ये क्वेश्चन में होने वाला है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन जो है, स्टार्टेड ए कंपनी विथ कैश कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज़। अब तक अगर आप मेरा सारा वीडियो देखे होंगे टेली क्लासेस का, तो आपको ये क्वेश्चन का एंट्री कौन सा वाउचर में होगा मालूम होना चाहिए। तो चलिए टैली में हम लोग जाते हैं, और हमेशा की तरह एक कंपनी क्रिएट करेंगे हम लोग। इस कंपनी का नाम मैं रख रहा हूँ REV, क्योंकि हम लोग ऐसे भी रिवीजन कर रहे हैं ना सारा वाउचर का, और इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि कैपिटल अमाउंट आ रहा है 5 लाख का, दैट मींस कंपनी क्या कर रहा है, पैसा रिसीव कर रहा है। और कंपनी कभी भी पैसा रिसीव करता है तो उसका एंट्री रिसीव वाउचर में होता है। तो वाउचर के लिए हम लोगों को जाना होता है अकाउंटिंग वाउचर में, और उसके बाद में यहाँ पे रिसीव्ड वाउचर, रिसीव्ड वाउचर का शॉर्टकट की F6 होता है, तो F6 दबाएंगे हम लोग। और उसके बाद में ऊपर में कैश में जा रहा है पैसा, तो यहाँ पे कैश होगा, और अल्ट सी करके यहाँ पे हम लोग REV जो कंपनी का नाम था वो मैं लिख देता हूँ, और उसके बाद में यहाँ पे कैपिटल लिख देता हूँ मैं, कैपिटल जो कि कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे 5 लाख रुपया हम लोग डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद एक्सेप्ट कर देंगे। पहला क्वेश्चन बहुत इजी था, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें अगर हम लोग, तो कंपनी कर क्या रहा है, देखिए, पेड फॉर द फॉलोइंग आइटम। अब पेड कर रहा है दैट मीन्स कंपनी पेमेंट कर रहा है, पेमेंट कर रहा है तो हम लोगों को परचेज वाउचर का सिलेक्शन करना होगा। अब क्या क्या चीज़ के लिए कंपनी पेमेंट कर रहा है, बिल्डिंग फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग और पेंटिंग, ठीक है। तो बिल्डिंग फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग, ये सब जो है ये आपका किस में जाएगा, ये आपका फिक्स एसेट में जाएगा, और जो पेंटिंग है वो भी आपका फिक्स एसेट में जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं फिर से टैली में, और यहाँ पे हम लोग F5 दबाते हैं, पेमेंट वाउचर का सिलेक्शन करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैश पेमेंट हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कैश सेलेक्ट करेंगे, और फिर अल्ट सी करेंगे, और उसके बाद में यहाँ पे BUILDING बिल्डिंग, और बिल्डिंग क्या होगा, फिक्स एसेट होगा, यहाँ पे हम लोग फिक्स एसेट ले लेते हैं। और बिल्डिंग के लिए कितना रुपया पेड कर रहा है, वो 2 लैक्स, तो यहाँ पे हम लोग 2 लैक्स लिखेंगे, फिर इंटर मारेंगे, फिर अल्ट सी करेंगे, और फिर बिल्डिंग के बाद क्या था, बिल्डिंग के बाद फर्नीचर था, तो यहाँ पे हम लोग फर्नीचर था, और फर्नीचर का अमाउंट 20,000 था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग फर्नीचर बना लेते हैं, ये भी आपका फिक्स एसेट रहेगा, और यहाँ पे हम लोग 20,000 लिख देंगे, फिर इंटर करेंगे, और फिर अल्ट सी करेंगे, और उसके बाद में इलेक्ट्रिक, ELECTRI, इलेक्ट्रिक फिटिंग था, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फिटिंग ले लेते हैं, ये भी आपका फिक्स एसेट है, और ये आपका कितना था, मेरे ख्याल से 10,000, तो यहाँ पे 10,000 हम लोग दे देते हैं। और उसके बाद में पेंटिंग था, PAINTING, इसको भी मैं फिक्स एसेट में ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए पेंटिंग मतलब जो नया घर खरीदने के बाद में जो पूरा हम लोग पेंटिंग करते उस प्रकार से हो रहा है, तो ये साल दो साल तो आराम से चलेगा, उस प्रकार से ये क्या होगा, फिक्स एसेट होगा, ठीक है। और ये 7,000 था, यहाँ पे मैं 7,000 लिख देता हूँ, उसके बाद में फिर हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो हम लोगों के पास 5 लाख था, जैसे ये सब पेमेंट किए, तो देखिए यहाँ पे कैश का करंट बैलेंस भी घट चुका है, ठीक है ना, फिर इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, उपेन बैंक अकाउंट ने SBI बैंक एंड डिपॉजिट 1 लाख रुपीज़। अब बैंक में हम लोग पैसा जमा कर रहे हैं, तो इसके लिए कौन सा वाउचर का चयन करेंगे। मैंने आप लोगों से कहा था कि बैंक में कभी भी पैसा जमा करना हो, या पैसा निकालना हो, या बैंक टू बैंक पैसा ट्रांसफ़र करना हो, तो हम लोग काउंट्रा वाउचर का चयन करते हैं। काउंट्रा वाउचर के लिए हम लोग F4 दबाते हैं, ये आ गया काउंट्रा वाउचर हमारा। और अब पैसा जा कहाँ रहा है, बैंक में जा रहा है, तो पैसा जहाँ जाता है उसका लेजर हमेशा ऊपर होता है, और पैसा जहाँ से जाता है उसका लेजर हमेशा नीचे होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं अल्ट सी कर रहा हूँ,
और यहां पे हम लोग बना देंगे एसबीआई बैंक, और एसबीआई बैंक का लेजर जो होगा इसके लिए ग्रुप हम लोगों को बैंक अकाउंट का ग्रुप सेलेक्ट करना होगा। फिर इंटर मारते हुए इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, और फिर यहां से पैसा जा रहा है कैश से तो कैश सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद यहां पे कितना पैसा जमा कर रहे हैं हम लोग 1 लाख रुपीज, तो यहां पे 1 लाख रुपया देंगे, और उसके बाद में इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए इस प्रकार से 3 क्वेश्चन तो हम लोग कर लिए, ठीक है। अब 4th क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, परचेज द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम एलेक्स शॉप, 1 GB RAM, 20 पीस, 20 नंबर, 1000 रुपीज एक का दाम है, और 2 GB RAM खरीदा जा रहा है, 1500 एक का दाम है, और ये जो है गुड्स जो हम लोग खरीद रहे हैं इसको हम लोग कहाँ रख रहे हैं, BNDM गोडाउन में रख रहे हैं। कहाँ रख रहे हैं, BNDM गोडाउन। तो इसके लिए हम लोग को गोडाउन क्रिएशन करना होगा, तो एंट्री तो हम लोग करेंगे परचेज में, मगर गोडाउन को अगर आप एक्टिवेट नहीं करेंगे तो कैसे क्रिएट करेंगे। तो गोडाउन एक्टिवेट करने के लिए आपको F11 दबाना होगा, उसके बाद आपको इन्वेंट्री फीचर्स में जाना होगा, और इन्वेंट्री फीचर्स में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, आप इसको यस कर लीजिएगा, और उसके बाद में इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं परचेज वाउचर में, और परचेज वाउचर का शॉर्टकट की क्या है, F9 है, यहाँ पे F9 मैंने प्रेस किया। अब यहाँ पे पार्टी नेम, पार्टी का नाम क्या था, एलेक्स है, तो यहाँ पे एलेक्स लिखते हैं हम लोग, एलेक्स शॉप, इससे हम लोग परचेज कर रहे हैं। ये कौन है हमारा, क्रेडिटर है, जिसे हम लोग सामान उधारी में खरीदते हैं उसे हम लोग सैंडी क्रेडिटर ग्रुप्स का चैन में रखते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद इंटर मारते हुए हम लोग इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था, मैं वापस लेके जाता हूँ लेजर में आपको, मेंटेन बिलवाइज डिटेल। तो अभी तक हम लोग मेंटेन बिलवाइज डिटेल, ये जो नया सीरीज है इसमें हम लोग नहीं देखे हैं, पुराना सीरीज अगर आप मेरा देखना चाहते हैं टैली में तो उसमें मैंने इसको बताया है, बट अभी न्यू सीरीज अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उसमें अभी इसका हम लोग डिस्कस नहीं किए, तो इसको आप डीएक्टिव कर सकते हैं, अगर दिखा रहा होगा तो आप यहाँ पे F11 दबाइएगा, और F11 दबाने के बाद देखें यहाँ पे मेंटेन बिलवाइज डिटेल का ऑप्शन आता है, इसको अगर आप नो कर देंगे तो फिर वो वहाँ पे नहीं दिखाएगा आपको, ठीक है। इसका बारे में हम लोग आने वाला क्लासेस में बात करने वाले हैं, मेंटेन बिलवाइज डिटेल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेंडिक्रेटर्स लेके इसको मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग परचेस कर रहे हैं तो परचेस का लेजर यहाँ पे बनाना होगा हम लोगों को, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे परचेस, और ये कहाँ जाएगा, ये आपका जाएगा परचेज अकाउंट में, तो यहाँ से हम लोग परचेज अकाउंट लेंगे, इंटर मारते हुए हम लोग आगे इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब क्या क्या सामान खरीद रहे हैं इससे हम लोग देखिए, 1 GB RAM खरीद रहे हैं और 2 GB RAM खरीद रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे अल्ट सी करेंगे तो ये हम लोगों को लेके आ जाएगा स्टॉक आइटम क्रिएशन में, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 1 GB RAM। फिर इंटर मारते हुए आगे जाएंगे, यहाँ पे यूनिट भी बनाना होगा तो अल्ट सी करेंगे, और NOS फॉर्मेट में नंबर लिख सकते हैं बट मैं छोड़ रहा हूँ इसको, और उसके बाद इसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है गोडाउन, तो हम लोग गोडाउन क्रिएट नहीं किए हैं, चलिए गोडाउन क्रिएट कर लेते हैं, अल्ट सी करिएगा तो ये हम लोग को ले जाएगा गोडाउन क्रिएशन में, और यहाँ पे हम गोडाउन बना लेंगे BNDM गोडाउन का नाम जो है, ठीक है। उसके बाद में इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। अब कितना क्वांटिटी खरीद रहे हैं हम लोग, एक बार फिर मैं देख लेता हूँ, हम लोग इसका 20 क्वांटिटी खरीद रहे तो यहाँ 20 देंगे, और इसका रेट जो है वो आपका 1000 रुपया है, तो यहाँ पे हम लोग 1000 रुपया लिख देंगे, 1000, और फिर इंटर मारते हुए आगे जाएंगे, और फिर नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग 2 GB का रैम फिर परचेस कर रहे हैं, यहाँ पे 2, उसके बाद GB, और उसके बाद फिर रैम, और फिर इंटर मारते हुए आगे जाएंगे, यहाँ पे NOS, उसके बाद फिर गोडाउन पूछा जा रहा है तो ये भी आपका BNDM गोडाउन में ही रखा जा रहा है, 20 PC है, और इसका रेट कितना है, 1500, तो यहाँ पे हम लोग 1500 दे देंगे, और उसके बाद में इसको भी हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। हो गया इस प्रकार से परचेस का एंट्री भी हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है,
गिवेन परचेज ऑर्डर टू एलेक्सा। देखिए पहला क्वेश्चन इसे पहले वाला जो था इसमें परचेज कर रहे थे, बट अब हम लोग परचेज ऑर्डर दे रहे हैं, दैट मीन्स हम लोगों को जो जो सामान एलेक्स शॉप से खरीदना है उसका लिस्ट हम लोग एलेक्स शॉप तक पहुंचा रहे हैं। तो इसका एंट्री हम लोग परचेज ऑर्डर में करेंगे। अब उसके लिए ऑर्डर वाउचर चाहिए, और अगर अभी हम लोग टैली में जाए स्केप प्रेस करें तो देखिए यहाँ पे तो ट्रांजेक्शन के नीचे में दो ही वाउचर दिखा रहा है, अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर, ऑर्डर वाउचर नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ऑर्डर वाउचर डिसेबल होता है, उसको अनेबल करने के लिए हम लोगों को F11 प्रेस करना होगा, उसके बाद में इन्वेंट्री फीचर्स में जाना होगा, और उसके बाद में यहाँ पे ऑर्डर प्रोसेसिंग में जाके इसको हम लोग यस करेंगे तो परचेज ऑर्डर आएगा, और सेल ऑर्डर का भी दरकार पड़ेगा इसीलिए मैं इसको भी यस कर ले रहा हूँ सेल ऑर्डर के लिए। या तो एक काम करते हैं, अभी इसको नो ही रखते हैं, जब जो चीज़ दरकार पड़ेगा मैं आपको एक एक ठो यस करके दिखाऊंगा। अभी हम लोगों को परचेज ऑर्डर चाहिए तो सिर्फ मैं परचेज ऑर्डर को ही एक्टिवेट कर रहा हूँ, देखिए ठीक है। अब जैसे ही हम लोग स्केप प्रेस करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे एक नया ऑप्शन दिखाई देगा ऑर्डर वाउचर का, ऑर्डर वाउचर में जाएंगे हम लोग। अब ऑर्डर वाउचर में भी सेम टू सेम परचेज की तरह ही दिखेगा, ऊपर में ध्यान दीजिएगा खाली लिखा हुआ होना चाहिए परचेज ऑर्डर। अब पार्टी का नाम क्या था, एलेक्स, तो वो तो हम लोगों ने पहले ही बना के रखा है क्योंकि हम लोगों ने इसे परचेज ही किया है। उसके बाद इंटर मारते हुए जाएंगे, अब यहाँ पे देखिए ऑर्डर नंबर पूछेगा, तो ऑर्डर नंबर क्या है देखा जाएगा यहाँ पे। अगर तो देखिए ऑर्डर नंबर यहाँ पे मैंने लिखा AL/PO AL/PO फिर ये हाइपन उसके बाद 001, ये ऑर्डर नंबर हो गया। उसके बाद फिर परचेज का लेजर, और फिर जो सामान हम लोग खरीद रहे हैं उसका नाम, क्या सामान खरीद रहे हैं, 500 GB का हार्ड डिस्क 10 पीस 3000 करके, तो यहाँ पे मैं अल्ट सी करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा 500 GB और उसके बाद में हार्ड डिस्क, फिर इंटर मारते हुए आगे जाएंगे यहाँ पे NOS, फिर यहाँ पे गोडाउन कुछ मेंशन नहीं किया गया है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। क्वांटिटी कितना क्वांटिटी हम लोग मंगा रहे हैं, एक बार फिर मैं जाऊँगा यहाँ पे 500 GB का हार्ड डिस्क 10, यहाँ पे 10, और रेट कितना था इसका 3000, तो यहाँ पे 3000, उसके बाद में नेक्स्ट 1 TB का हार्ड डिस्क था तो यहाँ पे 1 TB 1 TB हार्ड डिस्क, फिर इंटर यहाँ पे NOS, यहाँ पे भी गोडाउन ए नहीं रहने देते हैं 10 पीस और इसका रेट 5000, और उसके बाद में इसको हम लोग एक्सेप्ट कर देते हैं, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन परचेज ऑर्डर टू एलेक्सा, फिर से परचेज ऑर्डर दिया जा रहा है और अभी i3 प्रोसेसर का दिया जा रहा है, तो फिर हम लोग यहीं रहेंगे और यहाँ पे फिर से हम लोग एलेक्स शॉप लेंगे, और उसके बाद में यहाँ पे ऑर्डर नंबर जो होगा AL/PO-002 क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर नंबर है परचेज, फिर यहाँ पे Alt+C i3 प्रोसेसर, यहाँ पे NOS, गोडाउन कुछ भी रहने दीजिए एनी, और उसके बाद यहाँ पे ये i3 प्रोसेसर का रेट यहाँ पे 5000, यहाँ पे 5000, उसके बाद एक्सेप्ट, उसके बाद नेक्स्ट फिर आपका i7 प्रोसेसर, फिर यहाँ पे NOS, फिर गोडाउन एनी 10 पीस, रेट 7000, फिर इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर का क्वेश्चन में बोला जा रहा है रिसीव गुड्स अगेंस्ट ऑर्डर नंबर AL/P001, ठीक है।
तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स रिसीव कर रहे हैं। तो गुड्स रिसीव करेंगे तो उसके लिए रिसीव नोट्स वाउचर का जरूरत पड़ेगा। और अभी अगर हम लोग जाए तो यहाँ पे रिसीव्ड नोट्स वाउचर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है, वो हम लोगों को मिलेगा कहाँ पे, इन्वेंट्री वाउचर में। बट इन्वेंट्री वाउचर में भी यहाँ पे ये रिसीव नोट वाउचर जो है ये डिसेबल है, ये डिसेबल है, तो इसको एनेबल करना होगा। तो उसके लिए F11 प्रेस करिए, इन्वेंट्री फीचर्स में जाइए, और जब हम लोग ऑर्डर देते हैं ना तो परचेज ऑर्डर का यूज़ करते हैं, और उसी ऑर्डर के अगेंस्ट अगर हम लोग को गुड्स कम मतलब हम लोग का दुकान तक आ जा रहा है या कंपनी तक आ जा रहा है, तो उसको इंटर करने के लिए हम लोग को रिसीव नोट्स वाउचर का ज़रूरत पड़ता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसको यस कर दे तो रिसीव नोट्स और साथ ही साथ डिलीवर नोट्स भी आपका एनेबल हो जाएगा। रिसीव नोट्स का यूज़ हम लोग कब करते हैं, जब हम लोग गुड्स रिसीव करते हैं, और डिलीवर नोट्स का यूज़ हम लोग कब करते हैं, जब गुड्स हम लोग डिलीवर करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको हम लोग यस कर लेंगे, और उसके बाद में फिर हम लोग जाएंगे इन्वेंट्री वाउचर में, और यहाँ पे देखिए रिसीव नोट्स का शॉर्टकट की क्या है, Alt F9 है। कीबोर्ड से अगर आप Alt F9 प्रेस करेंगे तो भी आ जाएगा, अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो भी आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और उसके बाद पार्टी का नाम में देखिए जिसको हम लोग ऑर्डर दिए हैं वही हमारा पार्टी है, तो यहाँ पे उसी का नाम लेंगे हम लोग। अब देखिए इस पार्टी को हम लोग दो ऑर्डर दिए थे, तो यहाँ पे आपको दोनों ऑर्डर नंबर दिखेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो गुड्स आप रिसीव कर रहे हैं कौन सा ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट रिसीव कर रहे हैं। तो हम लोग अभी PO/001AL इसके अगेंस्ट में हम लोग रिसीव कर रहे हैं, तो हम लोग कौन सा ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करेंगे, AL/PO001 ही लेंगे। उसके बाद में फिर इंटर मारते हुए आगे जाएंगे हम लोग। अब यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर आप दे सकते हैं, मैं ऑर्डर नंबर को ही ट्रैकिंग नंबर के रूप में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और एक चीज मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, देखिए उस समय हम लोग गोडाउन तो एनी रखे थे, बट अभी मैं कौन सा गोडाउन में रख रहा हूँ, इसको BNDM गोडाउन में रख रहा हूँ सामान। ठीक है, एंट्री कर लिए हम लोग इसका। इसको एंट्री करने के बाद में आप एक बार ना डिस्प्ले में जाइएगा और ट्रायल बैलेंस में जाइएगा, और उसके बाद में आप उसके बाद में आप एक बार Alt F1 दबाइएगा, तो देखिए यहाँ पे एक चीज आपको नजर आएगा, परचेज बिल टू कम, मतलब कि गुड्स तो हम लोग रिसीव कर लिए। इसको फिर इंटर मारिएगा तो देखिए दिखाएगा कि गुड्स तो हम लोग रिसीव कर लिए हैं मगर बिल अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। दैट मीन्स अभी तक जो हम लोग का परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग था वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। वो कब कंप्लीट होगा, जब इसका एंट्री हम लोग परचेज में करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, चलिए अभी हम लोग यहाँ पे गुड्स तो हम लोग रिसीव कर लिए थे, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, सेल द फॉलोइंग आइटम टू RJM। ठीक है, सेल करना है तो सेल करने के लिए कौन सा वाउचर में जाना होगा हम लोगों को, अकाउंटिंग वाउचर और सेल वाउचर। सेल वाउचर का शॉर्टकट की क्या होता है, F8 होता है। अभी यहाँ पे पार्टी का नाम किसको सेल कर रहे हैं हम लोग, RJM को सेल कर रहे हैं हम लोग। ये कौन होगा हमारा, ये होगा डेप्टर्स, जो हम लोगों से सामान खरीदता है उधारी में, वो हम लोग का क्या होता है, सैंडी डेप्टर्स होता है। फिर इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर इंटर मारते हुए आगे जाएंगे, और फिर अभी हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग सेल का लेजर बनाएंगे, और यहाँ पे हम लोग सेल अकाउंट रखेंगे, और फिर इंटर मारते हुए इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब नेम ऑफ द आइटम क्या सेल कर रहे हैं, इसको हम लोग 1 GB का रैम सेल कर रहे हैं और 2 GB का रैम सेल कर रहे हैं। तो 1 GB का रैम हम लोगों के पास है 20 पीस, तो इसको ले लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर वगैरह कुछ नहीं लेना है हम लोगों को। गोडाउन कौन सा गोडाउन में सामान है, ये BNDM गोडाउन में है, तो यहाँ से गोडाउन सेलेक्ट करिएगा जहाँ पे सामान रखा गया था। यहाँ पे पीस लिखिएगा, जितना पीस आप भेज रहे हैं, यहाँ पे रेट तो 1500 करके इसको बेचा जा रहा है। और नेक्स्ट फिर 2 GB का रैम, यहाँ पे गोडाउन कौन सा था, BNDM, और क्वांटिटी 10 पीस, और इसको हम लोग 2000 करके बेच रहे हैं।
और इसके बाद में फिर इसको भी हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। और एक बार मैं चेक कर लेता हूँ रेट कितना था, 1500 और 2000, ठीक है। अब 9 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ट्रांसफर 5 नंबर ऑफ 1 GB रैम फ्रॉम BNDM टू RKL, मतलब कि हमारे पास जो सामान रखा गया है ना, देखिए हमारे पास क्या है, 1 GB का रैम जो है वो BNDM के गोडाउन में है, उसको हम लोग को ट्रांसफर करना है RKL गोडाउन में। कहाँ पे करना है, RKL गोडाउन में। तो इसका एंट्री करने के लिए हम लोगों को कहाँ जाना होगा, हम लोगों को इन्वेंट्री वाउचर में जाना होगा, और स्टॉक ट्रांसफर जो हम लोग करते हैं वो हम लोग स्टॉक जनरल में करते हैं। तो यहाँ पे नेम ऑफ द आइटम, मतलब क्या हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं, 1 GB का रैम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब ये 1 GB का रैम जो है ये कहाँ पे है, कौन सा गोडाउन में है, BNDM में है, तो यहाँ पे BNDM लेंगे। अब कितना ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम लोग, 5 पीस ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ 5 रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। और उसके बाद में फिर यहाँ पे नेम ऑफ द आइटम 1 GB रैम। अब यहाँ पे किस गोडाउन में हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, LC गोडाउन बना हुआ नहीं है, तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ RKL, इंटर मारते हुए हम लोग एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे फिर 5 पीस इंटर मार देंगे। तो अब हमारे पास से 5 पीस रेम जो होगा वो BNDM गोडाउन से हट कर कहाँ चल जाएगा, RKL गोडाउन में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 10 नंबर का। 10 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, RGM swap रिटर्न 1 नंबर ऑफ 1 GB रेम, मतलब कि RGM swap अगर ऊपर जाएंगे हम लोग थोड़ा से, तो देखिए यहाँ पे हम लोग RGM को क्या किए थे, सामान कुछ बेचे थे, तो उसमें आइटम था 1 GB रेम, 10 पीस हम लोग उसको बेचे थे, तो किसी कारणवश वो क्या कर रहा है, एक रेम हम लोगों को वापस कर दे रहा है, हो सकता है कि उस रेम में कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है ना। तो उसका एंट्री हम लोग कहाँ करेंगे, तो उसका एंट्री हम लोग को ये जो आ रहा है सेल रिटर्न हो रहा है, ये क्या हो रहा है, सेल रिटर्न, तो इसका यूज़ हम, इसका एंट्री हम लोगों को क्रेडिट नोट में करना होगा। तो क्रेडिट नोट वाउचर जो होगा वो अकाउंटिंग वाउचर में मिलेगा, तो बट वो भी देखिए यहाँ पे डेबिट ने क्रेडिट नोट जो है ये डीएक्टिवेट है, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए कहाँ जाना होगा, F11 दबाना होगा, जिससे हम लोग कंपनी फीचर्स में आएंगे, उसके बाद अकाउंटिंग फीचर्स में जाना होगा। और फिर अकाउंटिंग फीचर्स में जाने के बाद में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा इनवॉइसिंग का नीचे में, यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट नोट, इसको आप यस करिएगा, उसके बाद में इसको भी यस करिएगा, और उसके बाद में आप इसको भी यस करते हुए आगे बढ़िएगा। अब हम लोग जाते हैं फिर से अकाउंटिंग वाउचर में। अब देखिए यहाँ पे क्रेडिट नोट और डेबिट नोट दोनों में एक्टिवेट कर दिया हूँ, तो अभी हम लोग को ज़रूरत है क्रेडिट नोट का, तो क्रेडिट नोट में क्लिक करेंगे हम लोग, और यहाँ पे देखिए अभी ये इस तरह से आपको दिखेगा, आप एस वाउचर में क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। एस वाउचर में क्लिक करने से ये आपका इनवॉइस मोड में आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इंटर मारते हुए हम लोग जाएंगे, अभी हम लोग को सामान कौन रिटर्न कर रहा है, RGM, तो RGM सेलेक्ट करेंगे हम लोग, इंटर मारते हुए आगे जाएंगे और यहाँ पे सेल, और फिर ये क्या रिटर्न कर रहा है हम लोग को, 1 GB का रैम रिटर्न कर रहा है, तो इसको लेंगे हम लोग, फिर इंटर मारेंगे हम लोग, ठीक है। और इसको कौन सा गोडाउन में रखना है, मैं BNDM गोडाउन में रखना चाहता हूँ, तो 1 पीस रिटर्न कर रहा, तो 1 पीस, और फिर इंटर मारते हुए मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिसीव गुड्स अगेंस्ट ऑर्डर नंबर ALPO002, मतलब कि हम लोग उस समय हम लोग दो ऑर्डर दिए थे, देखिए LX शॉप को एक ये ऑर्डर था और ये एक ऑर्डर था, तो एक ऑर्डर का सामान तो हम लोग रिसीव कर लिए थे, अभी क्या हुआ दूसरा ऑर्डर हम लोग को मिला है, मतलब सामान हम लोग का दूसरा ऑर्डर का अगेंस्ट में गुड्स हम लोग का दुकान तक आ गया है, ठीक है ना। तो इसके लिए भी हम लोग को कहाँ जाना होगा, रिसीव नोट्स में जाना होगा, तो चलिए हम लोग चलते हैं। और उसके बाद में हम लोग जाएंगे कहाँ पे, ऑर्डर वाउचर में, और ऑर्डर वाउचर नहीं सॉरी इन्वेंट्री वाउचर में जाएंगे हम लोग। इन्वेंट्री वाउचर में जाने के बाद में रिसीव नोट्स में जाना है हम लोगों को, और फिर किससे हम लोग गुड्स रिसीव कर रहे हैं, LX शॉप से, और कौन सा ऑर्डर नंबर लेंगे अभी हम लोग, इस ऑर्डर के अगेंस्ट में गुड्स रिसीव कर रहे हैं, तो ये ऑर्डर नंबर लेंगे हम लोग, और इंटर मारते हुए आगे जाएंगे, और यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर मैं जो ऑर्डर नंबर था उसी का ये यूज़ कर रहा हूँ।
और एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद में फिर अभी हम लोग ये कर लिए 11 नंबर तक, ठीक है ना, रिसीव गुड्स अगेंस्ट ऑर्डर नंबर इतना। अब देखिए अब क्या हो रहा है कि ये 12 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, रिसीव सेल ऑर्डर फ्रॉम आरजीएम शॉप ऑफ द फॉलोइंग आइटम, और यहाँ पे ऑर्डर नंबर दिया हुआ है। मतलब कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, आरजीएम शॉप जो था उससे हम लोग कुछ हम लोग को उसको हम लोगों से कुछ सामान चाहिए, तो वो हम लोग को एक लिस्ट भेजा है, उसे सेल ऑर्डर कहते हैं। वो सामान अगर हम लोग के पास है तो हम लोग उसको देंगे। तो ये सेल ऑर्डर का एंट्री करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को ऑर्डर वाउचर में जाना होगा। ऑर्डर वाउचर में जाने से पहले मैं यहाँ पे F11 दबाऊंगा और फिर इन्वेंट्री फीचर्स में जाऊंगा। और उस समय जैसे मैंने आपसे कहा था कि परचेज ऑर्डर दरकार था, तो हम लोग परचेज ऑर्डर को अनेबल किए थे। अब हम लोगों को सेल ऑर्डर दरकार है, तो इसको भी हम लोगों को अनेबल करना होगा, तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब हम लोग जाते हैं ऑर्डर वाउचर में, और ऑर्डर वाउचर में कहाँ, सेल ऑर्डर वाउचर में, ठीक है। सेल ऑर्डर वाउचर जो है उसका शॉर्टकट की Alt F5 होता है, लेकिन ये पहले से है, अगर नहीं होगा तो आप Alt F5 दबाइएगा तो आ जाएगा। अब कौन पार्टी हम लोग को सेल ऑर्डर दे रहा है, RGM, तो उसका नाम यहाँ से लेंगे हम लोग। और उसके बाद में फिर यहाँ पे ऑर्डर नंबर क्या था, RJM स्लैश, उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, RGM PO के जगह में S100 लिखेगा, वो गलती से लिखा गया है, मैं सेल ऑर्डर। उसके बाद में फिर 001 ऐसे कर देते हैं, फिर सेल का लेजर, और अभी क्या चीज़ का ऑर्डर मिल रहा है हम लोगों को, आई प्रोसेसर 5 R5 इसका 6000 8000, ठीक है। i3 प्रोसेसर, यहाँ पे देखिए i3 प्रोसेसर का ये बना हुआ है आपका स्टॉक आइटम, ये गोडाउन, तो गोडाउन एनी रहने दीजिए अभी। और यहाँ पे क्वांटिटी कितना पीस का मिला है ऑर्डर, 5 पीस का, और रेट क्या है 6000 करके फिक्स हुआ है कि 6000 में वो खरीदेगा हम लोग से। और फिर यहाँ पे i7 5 पीस, और ये वाला का रेट है 8000, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 8000, ठीक है। और फिर इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, डिलीवर ऑर्डर नंबर RJM PO001, ठीक है, PO001, ठीक है, इसको हम लोग डिलीवर कर देते हैं। तो डिलीवर करने के लिए हम लोगों को कहाँ जाना होगा, इन्वेंट्री वाउचर में, और उसके बाद डिलीवरी नोट्स में जाएंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे रिसीव नोट्स है, उसके ऊपर में डिलीवरी नोट्स होता है, जिसका शॉर्टकट की Alt F8 है। अब यहाँ पे किस पार्टी को सामान डिलीवर करना है, RJM को, तो उसका लेजर को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए कौन सा ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट में, मतलब कौन सा सेल ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट में हम लोग इस गुड्स को डिलीवर कर रहे हैं, उसको सेलेक्ट करेंगे और इंटर मारते हुए हम लोग आगे जाएंगे, सामान आ जाएगा। अब यहाँ ट्रैकिंग नंबर मैं सेल ऑर्डर को ही ले रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद में फिर इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, RGM शॉप रिटर्न 1 नंबर ऑफ i3 प्रोसेसर, ठीक है। RGM शॉप को हम लोग क्या किए थे, ये सेल ऑर्डर था, ये क्या था, सेल ऑर्डर था, इसका बिलिंग नहीं हुआ है अभी तक, ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग डिलीवर तो कर दिए हैं, मगर उसको बिल नहीं दिए हैं, उसको अभी तक हम लोग बिल नहीं दिए, क्योंकि इसका सेल में जब तक हम लोग एंट्री नहीं करेंगे ना, तो सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं होता है। जैसे कि परचेज ऑर्डर में क्या होता है, परचेज ऑर्डर हम लोग देते हैं, फिर हम लोग गुड्स रिसीव करते हैं, और फिर बिल का एंट्री हम लोग परचेज वाउचर में करते हैं। उसी प्रकार से सेल का भी वही सिस्टम है, सेल ऑर्डर देते हैं, फिर हम लोग गुड्स उसे डिलीवर करते हैं, और फिर सेल में जब एंट्री करेंगे तब हम लोग उसका बिलिंग करते हैं। तो बिलिंग अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट ये सामान हम लोग को एक रिटर्न कर रहा है, एक i3 प्रोसेसर रिटर्न कर रहा है। तो अब ये जो रिटर्न कर रहा है, इसका एंट्री के लिए हम लोगों को कौन सा वाउचर चाहिए, रिजेक्शन इन वाउचर चाहिए। रिजेक्शन इन वाउचर जो है वो तो हम लोगों को मिलेगा इन्वेंट्री वाउचर में, बट यहाँ पे देखिए ये डीएक्टिव है, इसको एक्टिवेट करने के लिए F11 प्रेस करिए, और उसके बाद में इंटर मारते हुए आगे जाइएगा। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आएगा अदर फीचर्स में, यूज़ रिजेक्शन इनवर्ड आउटवर्ड नोट्स, इसको आप यस कर लीजिएगा।
इसको यस करने के बाद में देखिए यहाँ पे रिजेक्शन इन जो है ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, इसका शॉर्टकट की जो है कंट्रोल F6 है, ठीक है, यहाँ क्लिक करिएगा। अब कौन बंदा हम लोग को रिटर्न कर रहा है, RGM, उसको लेंगे हम लोग। इंटर मारते हुए आगे जाएंगे, क्या रिटर्न कर रहा है ये हम लोग को, i3 प्रोसेसर रिटर्न कर रहा है, ये लेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे इस नंबर को लीजिएगा, मतलब जो हम लोग डिलीवर किए थे ना, तो जो ट्रैकिंग नंबर होता है उसको लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हम लोग ट्रैक नहीं करेंगे तो ये अलग जगह चल जाएगा, ठीक है ना। ये नंबर लेना है, ट्रैकिंग नंबर, इसको लेते हुए हम लोग फिर यहाँ पे वो कितना पीस रिटर्न कर रहा है, एक पीस, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे और फिर इंटर मारते हुए इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या हो रहा है, रिटर्न 1 नंबर ऑफ i3 1 GB रैम, i3 1 GB रैम, रिटर्न 1 नंबर ऑफ, ये i3 प्रोसेसर होगा, LX शॉप से हम लोग खरीदे थे, देखिए ये i3 1 GB रैम नहीं है, ये आपका i3 प्रोसेसर है, तो LX शॉप से हम लोग खरीदे थे। कहाँ गया LX शॉप, ये देखिए LX शॉप से i3 प्रोसेसर हम लोग खरीदे थे, ये हम लोग को रिटर्न मिला, हम लोग फिर रिटर्न कर रहे हैं LX शॉप को। तो इसमें देखिए समझने वाला बात ये है कि ये परचेज ऑर्डर दिया गया था और परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में हम लोग गुड्स रिसीव किए हैं, मगर अभी तक हम लोग बिल नहीं रिसीव किए, बिल रिसीव नहीं किए हैं, तो इसको रिटर्न हम लोग कहाँ करेंगे, रिजेक्शन आउट में हम लोग को करना होगा। मतलब वो बंदा हम लोगों को रिटर्न किया और फिर हम लोग उसको रिटर्न कर रहे हैं, अगर इसका परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग पूरा ख़त्म हो गया रहता है तो हम लोग डेबिट नोड में परचेज रिटर्न कर देते, ठीक है, बट अभी इसका बिलिंग नहीं हुआ है इसीलिए इसको हम लोग रिजेक्शन आउट में करेंगे, इसीलिए अभी हम लोग इसको रिजेक्शन आउट में इसका एंट्री करेंगे। तो रिजेक्शन आउट देखिए यहाँ पे आ गया रिजेक्शन आउट, जो कि इन्वेंट्री वाउचर में मिलेगा, और इसका शॉर्टकट की जो है Alt F6 है, किसको रिटर्न कर रहे हैं हम लोग, LX को, तो यहाँ पे LX शॉप का नाम लेना है हम लोगों को। इंटर मारते हुए जाएंगे और क्या रिटर्न कर रहे हैं हम लोग, i3 प्रोसेसर, तो ये लेना है, और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो ट्रैकिंग नंबर होता है उसको एक्सेप्ट करिएगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे 10 पीस दिखा रहा है, इसको आप एक पीस रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ पे आप 1 लिखिएगा और उसके बाद में फिर इसको एक्सेप्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन आज के क्लास में हम लोग किए हैं, अगर इसमें इस क्वेश्चंस में कुछ भी अगर आपको डाउट्स है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, और ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह मेरे साथ देखते रहिए टैली क्लास।